Hello guys, we are at Hazrat Nizamuddin station right now. We have boarded our train and it's coming from Kota and we are heading towards Haridwar and we'll be reaching at around 4:30 in the morning. We have a task ahead of ourselves. So the transport that is supposed to be pre-booked for a base camp village Sari is from Rishikesh and we are departing at Haridwar. So we have to find a way at 4:30 a.m. in the morning in this freezing cold on our own with these 5 bags and see. यहाँ पे मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं, ये लोग भूखे लेले साथ में लेके आ रहे हैं। हर एक बार में सुबह सुबह चाय पियेंगे, मेरे को दोस्त की इसका इंतजार है, ऋषिकेश पाएंगे खुले ऑटो में। सी यू हरिद्वार, सी यू ऋषिकेश। हाँ, जहाँ पे विल अपडेट। विल अपडेट, क्या होने वाला है? हमारी हमारी कैमरामैन दिशा के साथ बने रहिए। तो मॉर्निंग इज हियर बट देयर इज नो सनशाइन। अपने को हरिद्वार टेक्निकली पहुंचना था 4:30 बजे ताकि अपन ऋषिकेश पहुंच पाते इन ऑर्डर टू ऑनबोर्ड आवर ट्रांसपोर्ट टू सरी विलेज। बट अभी भी हम ट्रेन में हैं बिकॉज ऑफ फॉर व्हाटएवर रीजन और ये दिशा अपना सर पकड़े हुए से भूख लग रही है, पोहे की याद आ रही है। दिशा, यू हैव एनीथिंग टू से? तो हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचना था अराउंड 4 o'clock और हम पहुंचे 9:17 पे। सच एन अमेजिंग जर्नी, बट वी डिड फाइंड अमेजिंग पीपल, अ ग्रुप ऑफ 10 हु वर हेडिंग टू केदारकंठा। यूकेलेले परफॉर्मेंस दिया मैंने। हाँ, तो अपन अभी रेडी है। कल लेट आए थे, आज लेट हो गए हैं, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। Once late, always late. ये जो जगह है इसके ही नीचे अपन कहीं रुके थे। Space camp. We are at Sari. And now we are heading to Deari Tal Lake. हाँ, अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक है एंड फटाफट सब चले गए फिर से हमें छोड़ के। हाँ, तो हमें निकलना होगा। चलो बाय। We have completed our day one of the trek. We started from Sari and now reached the Deari Tal Lake, as you can see in my background. Disha is captured the video. Say hi, Disha. Hi. Now, talking about Deari Tal, I think most of the people in the lockdown must have watched Ramayana and Mahabharata, and the story of this relates to that particular thing, and you might recall it. So in Mahabharata, you must remember there was this time when they were on these Pandavas were going through the forest. Jungle. And they were on Gyatvasa rather. Very hard to be hidden from the Kauravas, and so one day they were thirsty. Draupadi was thirsty, and she asked one of the 5 Pandavas to get the water, and they could hear some waves. And this is the lake. It's about time for sunset. The view in front of you is of Mount Chaukamba, and it's totally red. It's a very rare event that happens in a galaxy or rather in a solar system. Saturn and Jupiter are in a single line and they are shining like a single planet or star, whatever you might call it, in the sky today. And it's evident in front of you. I don't know if the camera is good enough to capture that, but yeah, it's right in front of our eyes.
जूमिंग इट हाँ वो सिटी लाइट्स की वजह से ना पोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे दिस टू हाँ सो वी आर ऑन आवर वे टू रीच आवर सेकंड कैंप साइट एंड टू सी वेयर वी आर गोइंग फॉर आवर समिट सो देयर दैट्स द पीक दैट्स आवर समिट चंद्रशिला पीक 12,000 फीट या देखो कहाँ से चढ़ते हुए आ रहे हैं पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे से तो अपन अभी पहुंच गए हैं द पिट स्टॉप फॉर द सेकेंड डे ऑफ द ट्रैक दैट इज रोहिणी बुग्याल और ये दिशा थकी हारी ख़त्म हो चुकी है तो हम बता रहे थे कि रास्ता खो गए थे अभी बहुत सारी मेहनत करके हम सही रास्ते पे आ गए एंड द व्यू इज वर्थ इट हाँ जाती है बोलो कुछ नहीं मज़ा आ रहा है खाना खा लिया पड़ गया रोहिणी तो स्नो आने लगा है थोड़ा 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 सीइंग द पीपल डाउन बिलो दैट्स वेयर वी हैव टू रीच यू माइट नाउ बी एबल टू सी द पर्सपेक्टिव द हाइट एंड ऑल टू स्टीप सो आफ्टर 8.5 hours ऑफ स्ट्रगल थ्रू अ ब्यूटिफुल ट्रेल वी हैव फाइनली रीच आवर कैंप साइट सियालमी दैट्स अ टेंट्स ओवर देयर Sun is pretty much low. It's amazing. मैं कोई सारा खा जाऊँगा. तो अपन मॉर्निंग में निकले थे हाँ शालमी से एंड देन वी डिसेंडेड एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना था तो अपन ने रिवर क्रॉस करी उस दौरान और मैं पानी में फंस गया बाकी सब मस्त तरीके से निकल गए कोई ना तो अभी अपन फिर वापस असेंड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अ बेस कैंप जहाँ से हम आज रात में 12 बजे समिट अटेंड करेंगे मस्त जंगल भरा रास्ता है लोगों को एडवाइस है कि वो सब साथ में रहें दूर दूर ना रहें क्योंकि यहाँ पर जानवर होते हैं काफ़ी और वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि अभी गिम्बल दिशा के बैग में मैं बस ऐसे ही फ़ोन को हाथ में लेके वीडियो बना रहा हूँ पीछे चल रहा है बिल्कुल अपन क्योंकि दिशा को पैर में थोड़ा स्प्रेन हो गया है तो धीमे धीमे असेंड कर रहे हैं प्रो टिप टू एवरीवन जब भी स्टीप असेंड आता है इसे रैबिट नहीं बनना टॉर्टोइस बनने का छोटे छोटे स्टेप्स लो पता नहीं चलेगा कब जुप से ऊपर पहुँच गए मस्त जंगल है देखो बहुत स्पेस का इशू है अपने को अभी फ़ोन में बैटरी का भी इशू है ठंड में जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है हर चीज़ तो थोड़ा आगे जाए कुछ वीक का तो बनाएंगे वरना सीधा बुनिया कुंड करके अपना कैंप साइट है वहाँ पे जाके विल लॉग इन अगेन
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाउ इज एवरीवन डूइंग गुड एवरीवन हैड देयर ब्रेकफास्ट यस एवरीवन्स टेकन द पैक लंच यस एवरीवन्स टेकन द स्पिरिट्स विद देम यस ऑल राइट सो एवरीवन्स रेडी टू गो ऑन द समिट एंड व्यू द सनराइज यस कूल Let's do a battle cry. Ook Alaila! Ook Alaila! Marichiki Timba! Marichiki Timba! Maza Maza Maza! Maza Maza Maza! Ooh Ala Ve Ala E Ala A! Ooh Ala E Ala Ve Ala A! Alright, let's go team, let's go! Yo, सुबह के 5 बजे हैं और अपन आ गए अभी तुंगनाथ. ये है मंदिर. आओ. बोले मंदिर बंद है अभी इसके कपाट बेसिकली दिवाली के समय बंद हो गए तो मेरे बंद हो गए थे अपन का बिल्ड शॉप है हमें यहाँ से आगे चंद्र से ले जाना है देखते हैं घंटे सवा घंटे पहुँचेंगे सनराइज से पहले या नहीं किसी को दिया Top of Chandrasila Peak, which is apparently as per Wikipedia more than 4,000 meter. अभी अपने को पता नहीं कितना है. Behind me are huge mountains, snow caps. That one is Kedarnath, and this one the famous Chokhama. चार peaks हैं इसका. So this range was visible from the different campsites that we were coming from. But now the beauty of the summit is, if we look at that way. Which might not be captured in this particular shot because the sun is also coming from that side. There are we can see Nanda Devi, which is the tallest or the highest peak of India, and we can see some other peaks, and we can also see the Pangasala when I almost died summiting. So little bit about how we reached here. We started. We had our breakfast 12:30 at 1 in the morning and started at 2. We had a 5-hour long. Trek on which we almost gave up hope that we might miss the sunrise but we just reached on time and we witnessed a beautiful sunrise behind this Trishul 2 peak so sunrise was came from there we saw the beautiful colors in the sky and the sunrise also came बिछड़ना तो दस्तूर हो गया यादों में तेरी मजबूर हो गया ओ सनम यादों की कसम